संडे को जो डबल हेडर इनकाउंटर मुकाबला खेला जाने वाला है उसका दूसरा मुकाबला एमआई वर्सेस सीएसके के बीच खेला जाएगा, यानी कि एल क्लासिको मुकाबला। दो चीर प्रतिद्वंदी टीमें आईपीएल के इतिहास की आमने सामने होंगी आईपीएल 2024 में पहली बार, जिस मुकाबले का सभी क्रिकेट प्रशंसकों को आईपीएल के आगाज के पहले दिन से ही काफी बेसब्री से इंतजार था, वो मुकाबला आज के दिन खेला जाने वाला है। और अपने इस रिपोर्ट में हम यही देखने, यही सोचने, यही समझने और यही परखने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिरकार ऑन द पेपर किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी है, किसके जीतने के कितने चांस है। हार्दिक वाली एमआई क्या सीएसके के ऊपर भारी पड़ेगी या धोनी वाली सीएसके हार्दिक के ऊपर भारी पड़ेगी, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। दोनों टीमों की मजबूती कमजोरी, पिच रिपोर्ट, उससे भी बड़ी बात और खास बात हेड टू हेड इनकाउंटर भी देखने का प्रयास करेंगे, यानी कि मनोवैज्ञानिक तौर पर किसका बढ़त किसके ऊपर है, इन सभी बातों पर हम गौर फरमाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी दाग दीजिएगा कि आज के मुकाबले का विजेता आपके हिसाब से कौन होने वाला है। तो आ जाते हैं, सबसे पहले हेड टू हेड इनकाउंटर की बात कर लेते हैं। तो ये दोनों टीमें 36 बार आईपीएल के इतिहास में आमने सामने आई हैं, 20 बार एमआई ने बाजी मारी है, 16 बार सीएसके, यानी कि अभी तक के आईपीएल के इतिहास में कोई एक टीम जो सीएसके के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई देती है वो है मुंबई इंडियंस, और साफ तौर पे हेड टू हेड इनकाउंटर ये बताता है। और वानखेड़े के पिच पर तो और मुंबई इंडियंस का अक्सर पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है सीएसके के मुकाबले, तो हमें एक दिलचस्प एक रोचक मुकाबला दिखाई देने वाला है। अब आ जाते हैं प्लेइंग 12 की चर्चा कर लेते हैं कि क्या मुंबई इंडियंस कोई बदलाव करने वाला है। आपको बताते चले कि मुंबई इंडियंस पिछले दो मुकाबले जीतकर भैया जीत की पटरी पर सवार हो गया है, रफ्तार भी इस टीम ने पकड़ ली है, अब शायद रुकने का नाम नहीं लेने वाले हैं क्योंकि ऑन द पेपर काफी मजबूत, काफी सुदृढ़, काफी सशक्त टीम है। हाँ, एक टैक्टिकल चेंज कर सकते हैं, वो ल्यूक वुड को टीम में शामिल कर सकते हैं। किसके जगह भैया वो ल्यूक वुड को शामिल कर सकते हैं? मोहम्मद नबी की जगह, क्योंकि वानखेड़े की पिच के डायमेंशंस काफी छोटे हैं, बहुत लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है नहीं सीएसके की टीम में, जिस कारण बहुत मोहम्मद नबी का प्रयोग नहीं होने वाला, तो ल्यूक वुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, अगर बल्लेबाजी डेप्थ और बढ़ानी है तो निहाल वधेरा को खिलाया जा सकता है नबी की जगह, बाकी कोई बदलाव आपको देखने को मिलने वाला नहीं है। रोहित ईशान, सूर्या, तिलक वर्मा, हार्दिक, टिम डेविड, रोमारियो सेफर्ट, ल्यूक वुड आ सकते हैं किसके जगह? नबी की जगह, या फिर कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे तो भैया नबी ही खेलेंगे। क्वेटजे, श्रेयस गोपाल, जसप्रीत बुमराह, आकाश माधवाल, मतलब एक ही तब्दीली हो सकती है, वो है नबी की, नहीं वो भी छेड़छाड़ होगा तो नबी ही खेलेंगे, उनके अनुभव को तरजीह देते हुए उन्हीं को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। तो ये तो प्लेइंग 12 होगी। अब अगर हम एमआई टीम की मजबूती की बात करें तो बल्लेबाजी विभाग है, इतना विध्वंसक बल्लेबाजी अटैक आपको कहीं किसी भी टीम में नहीं मिलने वाला है, जहां पर आपको ओपन करते हुए रोहित शर्मा, ईशान किशन दिखे, नंबर 3 पर T20 क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव भी दिखे, 4 पर तिलक वर्मा, 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पे टिम डेविड, 7 पर रोमारियो सेफर्ट, तो इससे विध्वंसक बैटिंग अटैक आप पा ही नहीं सकते हो, यही इनका स्ट्रेंथ है। अगर हम इनकी कमजोरी की बात करें तो इनकी तेज गेंदबाजी विभाग है, जहां पर क्वेटजे का फॉर्म नहीं है, ल्यूक वुड खेले तो ल्यूक वुड का फॉर्म नहीं है, उसके अलावा माधवाल को कभी भी आप वानखेड़े पिच पर हिट कर सकते हो, तो ये जो गेंदबाज हैं इनके वीकनेसेस हैं। हाँ, ये कायाकल्प इस वजह से हो जा रहा है इनका क्योंकि बुमराह 4 ओवर निकाल जा रहे हैं, 4 ओवर में 22 रन, बहुत दबाव बना दे रहे हैं, जिसके कारण क्वेटजे को भी कुछ सफलताएं मिल जा रही है, कुछ माधवाल के खाते में भी आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बुमराह का कारिस्तानी है, अन्यथा इनके गेंदबाजी में बिल्कुल दम नहीं है, गेंदबाजी कमजोर है, और यही इनका लुटिया डुबाते हुए आईपीएल 2024 में आई है। इस मुकाबले में भी अगर सीएसके टीम प्लानिंग से आई तो ये लुटिया डुबा सकती है। बात करें अगर हम सीएसके टीम के प्रोबेबल 12 की, तो यहां पर कुछ बदलाव टैक्टिकल मूव किए जा सकते हैं, टैक्टिकल मूव इन द सेंस कि गुरु रहाड़े को आप बाहर करिए, जो चोटिल भी थे पिछले मुकाबले में, अगर फिट भी नहीं होते हैं तो मिशेल नंबर 3 पर खेलेंगे, जिस वजह से समीर रजवी एक स्थान ऊपर चले जाएंगे, धोनी एक स्थान ऊपर, जडेजा एक स्थान ऊपर, ऐसा टैक्टिकल मूव कर सकते हैं, मिशेल का स्लॉट फिक्स करके उनको रोल क्लैरिटी दी जा सकती है। उसके अलावा जो टीम न्यूज है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पार्थी राणा जो चोटिल चल रहे हैं वो शायद इस मुकाबले में भी ना खेलें, क्योंकि जो कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग, उन्होंने कहा है कि 90% फिट हो चुके हैं पार्थी राणा, लेकिन उनके ऊपर रिस्क नहीं लिया जाएगा जब तक वो फुली फिट, फुली एकदम चुस्त और तैनात नहीं होते हैं,
तब तक हम उनको खिलाने वाले नहीं है। अगला मुकाबला आप पार्थिव राणा को खेलते हुए देखोगे, जिस कारण से ये प्लेइंग 12 बन सकती है। ऋतुराज, सचिन, रविंद्र, डेरी मिसल नंबर 3, 4 पे शिवम दुबे, 5 पे जडेजा, 6 पे समीर रिजवी, 7 पे दूने, 8 पे चहर, 9 पे शार्दुल, 10 पे सुसार, 11 पे तिक्षणा और 12 पे रहमान। तो ये सीएसके की प्लेइंग 12 है, जहां पे एक टैक्टिकल मूव होने वाला है वो आपको मैं बता दिया। वानखेड़े पिच बहुत कुछ नहीं बताऊंगा मैं, बल्लेबाजों की मुफीद पिच, पिछले मुकाबले में बात करें एमआई वर्सेस डीसी, उससे पिछले 236, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बल्लेबाजों की मुफीद पिच होने वाली है। फिर जब आरसीबी वर्सेज एमआई हुआ था तो वहां पर 190 या 196 उसको मात्र 16 ओवर में चेस डाउन कर देना एमआई का द्वारा, ये जताता है, ये बताता है, ये दर्शाता है कि भैया बल्लेबाजों वाली पिच है, बहुत रन है यहाँ पर। यहाँ पर आप 220 भी बनाकर सुरक्षित नहीं हो, ये जान लीजिए। आप पिछले कुछ मुकाबलों के स्कोर कार्ड देख लीजिए, 196, 234, यही बहुत है बताने के लिए। तो अब आ जाते हैं कि ऑन द पेपर मजबूत कौन सी टीम है। देखिए भैया, वानखेड़े में जिसकी बल्लेबाजी मजबूत उसी का सिक्का बोलेगा। तो यहां पर साफ तौर पे मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी मजबूत है, उनसे विध्वंसक बल्लेबाजी अटैक नहीं है। हाँ, है सीएसके की भी बल्लेबाजी मजबूत, वहां मिसेल होंगे, वहां शिवम दुबे होंगे, वहां ऋतुराज गायकवाड होंगे, रचिन रविंद्र होंगे, लेकिन वो क्षमता, वो काबिलियत उन खिलाड़ियों के पास नहीं है जो एमआई के बल्लेबाजों के पास है। जो सूर्या कर सकते हैं वो कोई भी बल्लेबाज सीएसके का नहीं कर सकता। जो काम तिलक वर्मा कर सकते हैं वो शायद ना कर पाए कोई। उसके अलावा हार्दिक पांड्या की कैपेबिलिटी, रोमारियो सेफर्ट, टिम डेविड, तो ये विध्वंसक बल्लेबाजी है। तो भैया पलड़ा भारी ऑन द पेपर मुंबई का है, उसमें दो राय नहीं है। 60% मुंबई तो 40% सीएसके। सीएसके भी बहुत पीछे हम नहीं कहेंगे, क्योंकि दुबे का भी बल्ला बोला तो चीजें कठिन हो सकती हैं, धोनी का मास्टरमाइंड भी चल सकता है। तो 60 और 40 का प्रतिशत है, लेकिन मुंबई का पलड़ा भारी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि आपके हिसाब से आज के मुकाबले की, एल क्लासिको मुकाबले की विजेता कौन होने वाली है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।